देखिए इसमें समावयता आता है। समावयता में श्रृंखला समावय पहला श्रृंखला समावयता, श्रृंखला समावयता के अंतर्गत एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे CH4H10 ये इन समावयत को दो समूही है जिसे हम ब्यूटेन कहा जाते हैं। ब्यूटेन, इस ब्यूटेन को प्रदर्शन करने के लिए हम भिन्न भिन्न आइसोलेट करते हैं। अब इसमें CH2 जैसे CH3CH2CH3 अब देख लिया जाए तो C 1 2 3 4 कार्बन के 4 श्रृंखला, हाइड्रोजन के 3 2 5 3 2 5 यानी ये कुल मिलाकर आपको इस श्रृंखला के ब्यूटेन के बराबर हो जाते हैं। और इन्हीं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो आइसरोड के माध्यम से भिन्न भिन्न तरीके से हम इनका प्रदर्शन कर देते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH3 देख लीजिए। अब 3 × 6 = 10 और HHHH4 मतलब ये आपका संरेख हो गया, ये संरचनात्मक हो गए। ब्यूटेन के संरचना इस तरह से होते हैं और यह रास में भी दिखते हैं, तो इस तरह से ये संरचनात्मक चिन्ह होते हैं। तो इस तत्वों में हमने ये ब्यूटेन का दिया, पेंटेन का मान लेते हैं। पेंटेन का अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड। एल्कोहल, इथर। एल्कोहल और इथर इन तीनों की क्रियाविधा का विधि का हम अध्ययन करते हैं। देखें एल्किल एल्हाइड में आपके आने वाले भिन्न भिन्न तत्व आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म आता है और एथिल ब्रोमाइड आता है और इन विधियों का जो है निर्माण होता है। जैसे इनका विधि आप एथिल ब्रोमाइड को ले लीजिए, एथिल ब्रोमाइड नंबर 1 एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, इन आवश्यकताओं के विधि में देखिए क्या पात्र है, उपकरण। उपकरण में हमने देखा है कि इसे प्रयोगशाला में तैयार करने के लिए आपका उपकरण गैस जार की जरूरत है, ईप का जरूरत है और साथ साथ लैंप स्टैंड और डबल स्टैंड और बल्ब बोतलें और बर्फ जल, ये न तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो इस एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए 1 लीटर के आर्सेनिक प्लास में 30 मिली सांद्र H2SO4 विलयन को लेकर के 40 मिली एथिल अल्कोहल को लेकर के 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर के मिश्रण को बालू ऊष्मक चादर में धीरे धीरे गर्म करते हैं और संघनित करने में प्रवाहित करके ठंडे जल में भरे पात्र से एकत्रित किया जाता है, जिसमें एथिल ब्रोमाइड तैयार होता है। एथिल ब्रोमाइड तैयार करने के लिए आपका सूत्र होता है, क्या क्या लिया जाता है, जैसे C2H5OH प्लस KBr के साथ सांद्र H2SO4 को ले लेते हैं, H2SO4, और इस सांद्र को लेने के बाद धीरे धीरे हम गर्म करते हैं। इसमें गर्म करने के बाद C2H5Br अलग अवक्षेपित होता है और साथ साथ H2SO4 प्लस आपका अलग से जल निकलकर अवक्षेपित होता है H2O। इस तरह से यह प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ इसी एल्किल हैलाइड में दूसरा आता है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में कैसे बनाया जाता है, देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको एक गोल पेटी का आइसोन वाला फ्लास्क होना चाहिए, गोल पेटी का फ्लास्क के साथ साथ स्टैंड होना चाहिए और द्रवणिका होना चाहिए, सीसिल कीप होना चाहिए, स्टैंड दो होने चाहिए, लैंप होने चाहिए, बालू के एक कढ़ाई जिसे छानल करते हैं वह होना चाहिए। ये सामग्री हमारे साथ जो है उपलब्ध होनी चाहिए और इनका फिगर तो हम बना नहीं सकते हैं, समय चलते फिलहाल संक्षिप्त देते हैं। इन पात्रों को एकत्रित करके और वैज्ञानिक विधि से इसे हम सजा लेते हैं और इन क्रियाओं को रिप्रोडक्शन करके हम इन ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण के साथ यह क्रिया करके तैयार करते हैं, जैसे CaOCl2 प्लस मैंने व्यंजक चूर्ण ले लिया और प्लस जल ले लिया H2O, इनके साथ रिप्रोडक्शन क्रिया कराया तो Ca को इसमें OH अलग अवक्षेपित होता है प्लस Cl2 हमारा तैयार होता है। इस तरह से Cl2 गैस जो है तैयार होती है, शुद्ध जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये भिन्न भिन्न विधियों से फिगर बनाकर हम इस उपकरणों के सजाकर इन उपकरणों का अध्ययन करके इन समीकरण के माध्यम से हम इसे देते हैं और प्रयोगशाला में हमें प्रयोगशाला करते समय क्या होनी चाहिए सावधानियाँ, उन सावधानियों को प्रयोगशाला में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमारे उस कमरे की उस प्रयोगशाला की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, क्या उपकरण होने चाहिए। तो प्रत्येक गैस में प्रत्येक उपकरण अलग अलग होते हैं, अलग अलग हम तैयार रखते हैं। साथ साथ जब प्रयोग में प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं उस समय हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। वह निम्न सावधानियाँ होती हैं, ये सावधानियाँ आपकी, जैसे कमरे की खिड़कियाँ समस्त खुली होनी चाहिए, उपकरण वायुरुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लैंप दूर रखें, आर्सेनिक पदार्थों से दूर रखें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए गैस जार को भलीभांत परीक्षण कर लेना चाहिए, लैंप का भलीभांत परीक्षण कर लेना चाहिए। इस तरह से सारे जो स्टेप हम चुनाव करते हैं जो उचित अवस्था में उपलब्ध होने हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।